जहां आपको पता है आज ये सबको एहसास हो गया है कि ईरान पूरे इलाके में, पूरी दुनिया में अकेला वाहिद है जो इसराइल और अमेरिका से टक्कर ले रहा है, और उसके साथ, उस ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इसराइल और नेतन्याहू के खिलाफ जमकर बोलते हैं, एक्शन का टाइम आता है तो वो खामोश रहते हैं, और तो और जो बोल रहा होता है उसका भी साथ नहीं देते हैं। ऐसे में तुर्की बहुत बोल रहा था और बोल रहा है, रजब तैयब एर्दोगान पूरी तरह से इसराइल से भिड़े हुए हैं और पूरी दुनिया की वाहवाही सिर्फ बकैती करके हासिल कर रहे हैं। ऐसे में तुर्की का एक और राज खुल गया है, और ये राज खुलने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में तुर्की के लिए और गुस्सा, नफरत और आक्रोश बढ़ जाएगा। आपको बताता हूं कि ऐसा राज क्या है, आप भी हिल जाएंगे। देखिए, तुर्की की एक बड़ी कंपनी है बिजली बनाने वाली, और उस कंपनी का जो मालिक है वो रजब तैयब एर्दोगान का बेहद करीबी है बिजनेसमैन वो। अब तुर्की की जो वो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ज़ोरलू, आप गूगल भी कर सकते हैं। ज़ोरलू कंपनी तुर्किश कंपनी है, और ये कंपनी इसराइल के जो बेस है, आर्मी के बेस हैं, उसको बिजली प्रोवाइड करती है। आपकी स्क्रीन पर अहमद नजीब ज़ोरलू, जी हाँ, ये कंपनी के डायरेक्टर हैं और तुर्की के ये बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि 25% ओनरशिप इस पूरी कंपनी की हासिल रखते हैं, उनके पास मौजूद है और एर्दोगान के काफ़ी करीब हैं। तो तुर्की की ये बड़ी कंपनी इसराइल के सैन्य अड्डों को बिजली देती है, चलिए देती है। बाकी आप समझिए, तुर्की जहां कह रहा है कि हम इसराइल का बायकॉट कर रहे हैं, और असल में तुर्की कर भी रहा है, कई जगह पर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान बायकॉट इसराइल का कर रहा है, लेकिन ये जो इसराइल का मिलिट्री बेस को बिजली देने वाला जो कंपनी का, तुर्किश कंपनी का मालिक है, और वो तुर्की जो कंपनी है, अभी भी इसराइल की मिलिट्री बेस को बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, और वही मिलिट्री बेस इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में इसराइल की वो मिलिट्री बेस, इसराइल की वो सेना, हिजबुल्ला, सीरिया, लेबनान, इराक, इजिप्ट, हर जगह हमलावर है। तुर्की जो लगातार बिजली अभी भी दे रहा है, अगर ईमानदार होता और दिल साफ होता तो पूरी तरह से बायकॉट इस कंपनी का भी करता, और ये कंपनी तुरंत इसराइल से संबंध तोड़ती। जहां नेटो में और यूएन में खड़ा होकर रजब तैयब एर्दोगान कुर्दोगलू की तरफ बोलता है कि तमाम मुस्लिम देशों को इसराइल का बायकॉट करना चाहिए, खुद टेबल के नीचे से इसराइल की मिलिट्री को ही बिजली दे रहे हैं, और इन्हें शर्म नहीं आती। हमारी कौम का, मुसलमानों का हाल इसीलिए इतना बुरा है क्योंकि गद्दार हमारे अंदर ही मौजूद हैं, और जो बहुत बड़े अच्छे बनते हैं सफ़ेद लिबास पहन के, अंदर से वो सबसे बड़े गद्दार निकलते हैं। इसराइल के सैनिक लगातार तुर्की की ही बिजली का अपने बेस पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुर्की बिजली देना बंद कर दे तो क्या होगा इसराइल की फ़ौज का, दिक्कत में तो आएगी ना, लेकिन नहीं। वही इसराइल की फ़ौज 5 घंटे पहले गाज़ा के ऊपर इतने ख़तरनाक हमले करती है कि मंज़र आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ तस्वीर छांट कर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। يا الله لا إله إلا الله نزلها نزلها يا الله والله وصلت خبطت في الشظايا نزلها نزل دار عبد عطا موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء الله أكبر। इस खतरनाक हमले के बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा, और मलबे में दबी हुई लाशें। نحن نقف الآن على أنقاض منزل
مجزرة عائلة أبو معمر، يقوم طواقم الدفاع المدني الآن بعملية البحث عن الشهيد الصحفي تميم معمر. تميم أبو معمر الآن، تميم أبو معمر في هذا المكان، في هذا المكان يتم محاولة انتشال جثمان الشهيد تميم أبو معمر. 5 شهداء أو أكثر تحت ركام هذا المنزل، تم انتشالهم. 7 شهداء لعائلة معمر. انزل لتحت، في عندك بلاط قديم، حاول ما بتلاقيه قصه. اسحب يا رامي، اسحب هذا يا صهيب. ايوه قص الفرشه، قص. تعالوا 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 فوتوا. دير بالك، ايه لرد 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 لرد. وين؟ اه هي هي. نائل شوف ايش في صباط. جماعه اصبر اصبر، لا تصبر اصبر. هذا هو، هذا الريق زود الحجر. اوعى استنى عاد خلاص. مستوره والله، مستوره. ما تلاقيش خليك اطفك الشفات. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه، في رباه. والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. الله أكبر. इसके अलावा अब ये तस्वीर आप देखिए, लाशों के अंबार गाजा में लगे हुए हैं। ये पिछले 12 घंटे का हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेटेस्ट। गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लाशें इतनी गिर रही हैं कि लोग रो रो कर थक चुके हैं। मेरे दोस्तों, हम पूरे समाज को, पूरी दुनिया के लोगों को बच्चे बड़े पसंद है। ओ कितना क्यूट बच्चा है, ये सब नौटंकी साबित हो रही है। स्क्रीन पर देखिए ये क्यूट सी, मासूम सी, प्यारी सी बच्ची, और उसी की लाश बगल में पड़ी। इसराइल ऐसे ही प्यारे प्यारे मासूम से मासूम बच्चों को गाजा के अंदर कत्ल कर रहा है। बड़े हिम्मत से और दिल पर पत्थर रखकर यह तस्वीर आपको फुल स्क्रीन पर दिखाई है। यह इसराइल का घिनौना चेहरा है, और भारत के बहुसंख्यक समाज इस इजरायली कत्लेआम को सपोर्ट करते हैं। तो भारत के मुसलमानों को दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि यहां का जो सड़ा हुआ समाज है, आपके और आपके बच्चों के साथ क्या करना चाहता है। सब औलाद के लिए माँ बहुत प्यारी होती है। बचपन में किसी की माँ गुजर जाए तो जिंदगी बेकार हो जाती है। ऐसे में सोचिए कितनी सारी माओं को मार दिया है इसराइल ने। एक बच्चे की फरियाद अपनी माँ की लाश पर, जिगर फट जाएगा अगर इंसान हैं आप। इसी तरह से खुदा की कसम, बूढ़े के कंधे पर सबसे भारी अगर कोई वजन होता है, जवान बेटे की लाश का वजन सबसे ज्यादा होता है। एक बूढ़ा शख्स जिसने अपने दोनों बेटे खो दिए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
إن الله ترجع الأمور، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا فيها خلفا خير. الحقيقة يعني أنا مثلي مثل أي إنسان على هذه الأرض، ليس بأفضل منهم ولا أبنائي هم بأفضل من كل من رووا بدمائهم ثرى هذه الأرض. نحن جميعا بانتظار الشهادة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والنفس والمال. परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं, हमारे कान पर जो नहीं रेंग रही है। एक महिला जिसके परिवार के कई लोग मारे गए। أرض الله حس فينا شوية برضو احنا بشر بدنا وقت نار دائم أرض الله بس गजा की हालत इतनी खराब। ये तस्वीर देखिए, घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है, क्योंकि इजराइल एम्बुलेंस पर ही हमला कर दे रहा है। गाड़ियों के बोनट पर डिग्गी के ऊपर लाश को या घायलों को रखकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं लोग। इसी तरह से जो रफा छोड़ रहे जो गाजा के लोग थे, उन निहत्थों के ऊपर भी इसराइल बम मार रहा है। ऐसा लग रहा है कि अरब देश अंदर ही अंदर इसराइल से हाथ मिला चुके हैं कि जो करना है करो, क्योंकि पिछले दो हफ्ते से इसराइल पूरी तरह से हैवानियत पर उतर आया है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, पिछले 8 दिनों के अंदर इसराइल ने 9 स्कूल को बमबारी करके उड़ा दिया है, और सिर्फ पिछले 8 दिनों में 79 लोगों को कत्ल किया है, और जिसमें से 143 लोग घायल हैं। 9 स्कूल इसराइल ने उड़ाए हैं दोस्तों, ये 9 स्कूलों का रिकॉर्ड है, 8 दिन में 9 स्कूल, ये इसराइल है। वहीं इसराइल लगातार पत्रकारों को अलग ही निशाना बना रहा है। गाजा की सरजमीन पर मौजूद ये दो पत्रकार अब इस दुनिया में नहीं है। इसराइल ने बमबारी करके इन दोनों को भी शहीद कर दिया है। ये तो मैंने गाजा का बता दिया, आइए अब मैं आपको फिलिस्तीन के अंदर का हाल दिखा दूं रोज की तरह। उम्मीद करता हूं ना मैं थका हूं ना आप थके होंगे। हम देख देख कर बहुत लोग कह रहे हैं भाई हम तो थक गए, हम तो देखते भी नहीं ऊब गए हैं। भाई ये बोलने से पहले आपकी जबान को 1000 मरतबा सोचना चाहिए था। जरा इमेजिन कीजिए अगर हम गजा में होते, अल्लाह अकबर, और हमारी तस्वीर कोई देखने से इनकार करता, हमारा अपना भाई। देखना ज़रूरी है, लोगों को दिखाइए, दिखाना ज़रूरी है। हजरात आपको बताऊं, फिलिस्तीन के इलाकों में इसराइल के लोग फिलिस्तीनियों की ज़मीन, खेत खलियान, गाड़ी और घर में आग लगा रहे हैं। ये काम उनका रोज़ का है, यानी जो गाज़ा में हो रहा है वो फिलिस्तीन में भी हो रहा है। देखिए इसराइल की जेल से जो रिहा हुए हैं कैदी फिलिस्तीन के, उन्होंने ये भी बताया है, रिपोर्ट पूरी मौजूद है, कि इसराइल की जेल में जो इसराइली महिला फौजी हैं वो तक इसराइल के जो फीमेल सोल्जर्स हैं वो तक फिलिस्तीनी मर्दों का बलात्कार कर रही हैं। जी हाँ, अब आप जो सोच रहे हैं गंदे दिमाग वाले, वो मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए टॉर्चर किया जा रहा है उन्हें, लड़कों के साथ, मर्दों के साथ। उनकी शर्मगाह में जो वो पुलिस और फौजी हैं महिला इसराइल की, वो ख़तरनाक चीज़ें डालकर उनकी आंतों को बेकार कर रही हैं, अतड़ियों को बेकार कर रही हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, बिजली के झटके दे रहे हैं। रिपोर्ट में लिखा है बिजली के झटके दे रही हैं, और इसराइल की महिला बटालियन लगातार फिलिस्तीनियों को जेल के अंदर टॉर्चर करते हुए मौत के मुंह में ढकेल रही है। हजरात इतना ही नहीं, गाजा के अंदर 200 बच्चों को स्किन की बीमारी हो चुकी है, गंदे पानी, केमिकल अटैक और आसपास जो गंदा एनवायरनमेंट है उसकी वजह से हाल इतना बुरा है कि अब फिलिस्तीन के गाजा के लोग घरों के अंदर नहीं रह रहे हैं, वो अब कहीं पनाह नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वही बमबारी कर दे रहा है। अब उनका डर ख़त्म हो चुका है, बल्कि यूं कहूं, तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के लोग, गाजा के लोग खुले आसमान के नीचे, इसराइल के फाइटर जेट्स के नीचे, इसराइल के ड्रोन के नीचे, खुले आसमान में बच्चे और पूरे परिवार समेत सो रहे हैं। उधर इसराइल ने अब तक 7 अक्टूबर से अब तक 205
कार्यकर्ताओं के ह्यूमन एड कार्यकर्ताओं को कत्ल कर दिया है। वहीं फिलिस्तीन के महिला कैदी, गाजा की महिला कैदी जो इसराइल के कैद से रिहा हुई है, उन्होंने अपना दर्द बयान करते हुए, अल्लाह जाने कितने दर्द उन्होंने छुपाए होंगे, लेकिन जो उन्होंने बताया वो बड़ा खौफनाक है। उन्होंने कहा कि इसराइल के फौजी मेरे पेट पर लातें मारते थे और मेरे पीछे लात मारते थे और 3-3 मिनट तक मेरे ऊपर खड़े रहते थे। तकरीबन वसलना अला كأن أرض ترابية الجندي برجلة دفعني فوقعت على وجهي حاولت إنه أرفع حالي أتنفس رفضوا هذا الإشي وبرجلهم كانوا يدفعوني ينزلوا راسي حتى إنه لما أحاول أتنفس كانوا الجنود يعني وهم يتناوبوا يدفعوني برجلهم اللي بضربني برجله على بطني على ظهري وفي مرة وقفوا جنديين على ظهري لمدة 3 دقائق يعني هون هدول 3 دقائق حسيت إنه خلص يعني أنا انتهيت أخذوني في باص وصلنا لمكان اللي هو كان سجن عوفر دخلونا في زنزانة كانت كتير باردة كانت مسكرة فيها شباك صغير جداً उधर मेरे दोस्तों इस तस्वीर को देख लीजिए, ये WHO ने वीडियो जारी किया है कि गाजा के अंदर कोई अस्पताल नहीं बचा, कोई जगह नहीं बची, तो अब गाजा में हमारे जो थोड़े मोड़े कार्यकर्ता हैं वो हॉस्पिटल के बेड टेंटों में लगा रहे हैं क्योंकि अब गाजा के अंदर जगह ही नहीं बची। आइए वापस अब मैं फिलिस्तीन लेके चलूं तो फिलिस्तीनियों की बकरियों और भेड़ों पर इसराइल के सैनिक हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, इसराइल के सेटलर्स मकानों पर हमला कर रहे हैं, खेतों पर कब्जा कर रहे हैं। جميل شلال ده ما اعرفش جميل شلال ده ولا بعرفه ما اعرفش مين هو انا صاحب البيت هذاك انا بخصني عشان ساكن هون كل الغنم تبعي بيتفرحون وممنوع هذا زرع مش انا حرستها مش انا حرست بخصني ولا بخصنيش بخصنيش انا الحين بتصل على الجيش انت اتصل على الجيش اتصل على الجيش انت شفت مره اللي فاتت يعني جيش اجى يعني جيش قال لي ممنوع عليكم قال لي لا ممنوع عليكم قال لي الغيب ده ممنوع تنزل حضرات اسی طرح سے ویسٹ بینک میں امریکی ایکٹیویسٹ تھا ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ اسرائیل کی ملٹری نے فلسطین کے ویسٹ بینک میں اس امریکی ایکٹیویسٹ کی ٹانگ میں گولی مار دی لیکن اس کے باوجود امریکہ اوقات میں نہیں آئے گا اپنی ذلت پر ہی رہے گا اپنے حرامی پنے پر ہی رہے گا وہ تب بھی اسرائیل کا سپورٹ کرے گا ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ بائیڈن اور جو بائیڈن کا لڑکا ہے اس کے پورے خاندان کا سیکس اسکینڈل ویڈیو جو ہے موساد کے پاس ہے یا یہ سمجھ لیجئے مجھے ایسا پرسنلی لگتا ہے کہ امریکہ کے کچھ خطرناک سیکرٹ اسرائیل کے پاس ہیں اسی وجہ سے امریکہ پوری طرح سے اندھا ہو کر ننگا ہو کر اسرائیل کا سپورٹ کر رہا ہے नॉर्वे और इसराइल का पंगा आपको कल बता चुका हूं। अब इसराइल ने 8 नॉर्वे के ऑफिसर्स को अपने देश से निकाल दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए ईस्टर्न राफा है, रफा बॉर्डर है, जो इसराइल ने पूरी तरह से जलाकर खाक तबाह कर दिया है। इसराइल हर एक दिन में एक पत्रकार मार ही रहा है, 168 जी हाँ 168 पत्रकारों को इसराइल अब तक कत्ल कर चुका है। वहीं ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के भारी भरकम जहाज एयरक्राफ्ट जो हैं हथियार लेकर इसराइल की सरजमीन पर उतरे हैं। मेरे दोस्तों ये जुमा भी ऐसे ही निकल गया, तस्वीर आपके सामने बैतुल मुकद्दस में फिलिस्तीन की मस्जिद बैतुल मुकद्दस में फिलिस्तीनियों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई और आपको मालूम है कि फिलिस्तीन के बैतुल मुकद्दस के मस्जिद के इमाम को भी 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है इसराइल के द्वारा। उधर फिलिस्तीन के एक्टिविस्ट्स ने जो जर्मनी की कोर्ट है उसमें दायर की थी याचिका, केस किया था कि हमारी जर्मन की गवर्नमेंट इसराइल को हथियार देना बंद कर दे, तो जर्मनी की कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। वहीं फिलिस्तीन अथॉरिटी को और मजबूत करने के लिए 43 मिलियन यूरोज यूरोपीय यूनियन फिलिस्तीन अथॉरिटी को देने का ऐलान कर रहा है। जापान के नागासाकी में
अमेरिका ने परमाणु बम दागा था हिरोशिमा और नागासाकी। तो आपको बता दूं कि इसराइल को जापान ने इनवाइट नहीं किया नागासाकी के प्रोग्राम में। तो हरामीपन इस लेवल पर है कि इसराइल, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम बड़े देश नागासाकी के उस मेमोरियल डे पर गए ही नहीं। जी हाँ, गए ही नहीं। यानी जेनोसाइडर को, जो जेनोसाइड करने वाला है, उसको हर जगह जबरदस्ती इज्जत दो, वो कत्ल करे, गारत करे, बर्बादी करे, आग लगाए, दुनिया जलाए, लेकिन तुम उसे इज्जत दो, वरना हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। ये अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन तमाम बड़े बड़े देशों की मेंटालिटी है। उधर जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो में अमेरिका की एम्बेसी के बाहर जापान के लोगों ने जमकर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन किया। हजरात मोहतरम, इसके अलावा सीरिया में जो अमेरिका के बेस हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, सीरिया में अमेरिका के जो बेस हैं उस पर ड्रोन हमले हुए हैं, तस्वीर आपके सामने। मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए अगर आपका दिल गाजा और फिलिस्तीन के लिए धड़क रहा है, ताकि हम थोड़ी बहुत मदद गजा की कर सकें। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो रिपोर्ट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, लिमिटेड अपलोड कर रहा हूँ, भले ही लंबी वीडियोज़ हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड और बहुत ज़रूरी अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपका समय बचे, मेरा भी समय बचे, और हम ज़्यादा डिटेल के साथ आपको अपडेट दे सकें। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आप खुद देखेंगे, अपने घर के बुजुर्गों को दिखाएंगे, और घर वालों से ज़रूर कहिएगा कि मेरे लिए दुआ ज़रूर करें। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।